हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मैं भगवान भोले बाबा से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो, खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। तो आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा ना, कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आज अपनी हेल्थ से संबंधित ना, उसके बारे में आज बात कर रही हूँ कि हम अगर हमारे को बीपी हो तो हम उसका इलाज करते हैं दवाइयों से, अगर हमारे को शुगर हो तो उसका इलाज करते हैं, कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज हम दवाइयों से करते हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि जो हमारे को सबसे ज़्यादा हम ग्रहण करते हैं और सबसे ज़्यादा हम चीज़ खाते हैं, क्या हमने उसके ऊपर मतलब कभी सुधार किया? मगर नहीं। तो मैं आज आपके साथ ना यही बात शेयर कर रही हूँ कि हम हर चीज़ को मतलब बदल बदल के खा लेते हैं और अपनी दवाइयों का ध्यान रख लेते हैं कि बीपी शुगर हर चीज़ की दवाई, मगर अगर हम सभी इन सब की जड़ के ऊपर काम करें ना, तो शायद हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकते हैं और दूसरा हम ना बहुत सी दवाइयों को छोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, ये आटा है, तो मैं मतलब आटा क्या मैं तो इसको बोलूँगी ना, ये तो एक मतलब दवाई बन गई है, दवाई बन गई चुकी है। तो ये है जी हमारे चार किस्म का गेहूं का आटा। तो आप चपाती देख रहे हो ना, कुछ ये मतलब रेडी से, कुछ ये काली है और थोड़ी एक सफ़ेद भी है। तो ये चार किस्म का आटा है, काली गेहूं और बंसी गेहूं और सरबती गेहूं और सोना मोती गेहूं। मैंने शायद आपके साथ ना एक वीडियो बताई भी थी जो मैंने खेत में ना लगाया था चार किस्म का, तो वो मैंने आटा है इसका बनाया हुआ है। और इसकी आटा आप देख रहे हो ना, इसका कलर भी कुछ ऐसा है, मतलब सफ़ेद नहीं है बिल्कुल और ना ही काला है, कुछ मतलब गहरे लाल मतलब रंग और का आटा है। तो इतना ज़रूर है कि ये देखने को ना इतना अच्छा नहीं है, मगर इसके गुण ना बहुत ही अच्छे और मतलब इसकी चपाती ना देखने को तो थोड़ी मतलब इतनी मतलब सफ़ेद नहीं है, मगर इसमें ना बहुत ही एक एंटीऑक्सीडेंट, और मैं तो बोलती हूँ ना अगर हम अपने मतलब जड़ के ऊपर काम करें ना, तो शायद अपने आटे के ऊपर काम करें तो हम बहुत सी बीमारियों से छूट सकते हैं। और मैंने तो आपके साथ ना मतलब खेत में लगाया ना, तो उस टाइम भी मैंने शेयर करा था। और इसमें ना देखो एक काली कण गेहूँ है ना, ये कुछ थोड़ी मिक्स हो चुकी है, और ये जो बंसी गेहूँ होती है ना ये कुछ पीले रंग की होती है, और ये सोना मोती गेहूँ है ना, ये जैसे दलिया होता है ना छोटा छोटा, वैसे उसके दाने होते हैं मतलब सोना मोती के। और सरबती गेहूँ मैं अभी ना इसमें चौथी मैंने बताई नहीं हुई, क्योंकि वो अभी मेरे ना थोड़ी साफ़ करने को थी, तो वैसे मैंने आटा इसका मतलब मिला के चारों गेहूं का मिला के मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखो ये है हमारा आटा, बिल्कुल नॉर्मल जैसे वैसे ही हम इसको पका सकते हैं। अगर हमने अलग अलग भी इस गेहूं का आटा पिसाना हो ना, तो हम अलग अलग तरीके से भी इसको तरह से भी पिसा सकते हैं और मतलब खा सकते हैं। और इनके ना मतलब हर गेहूं के अलग अलग इसके गुण हैं, तो मैंने इसको ना इकट्ठा ही मतलब पिसवाया है, तो आप चाहो तो इसको अलग अलग भी पिसवा सकते हैं। और ये एक ना अगर आप जब इसको लगभग एक महीने तक यूज करेंगे ना, तो आप अपनी सेहत और आप मतलब देखेंगे कि आप किसी ना किसी बीमारी से बिल्कुल निजात पाएंगे 100%। तो हम फल के ऊपर काम करते हैं और अपनी
ये फल खाना ये नहीं खाना, मगर जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा खाते हैं ना उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। तो मैं तो बोलती हूँ कि हमारे को ना मतलब अपने आटे के ऊपर, ऐसा नहीं है मतलब आपको खेत में ही मिलता है कि जो खेत नहीं बोते वो उनके पास आटा नहीं है, मगर ये सभी जो प्राकृतिक खेती करते हैं किसान हैं उनके पास बिल्कुल 100% प्राप्त होना, और नहीं तो आप कहीं से मंगा के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। ये तो अगर इसको खाएंगे ना, एक तो आप इससे ना मतलब सारे का ये हर गेहूं का अपना अपना अलग अलग इसका गुण है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट, और बिल्कुल आप जवान दिखेंगे और इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और बहुत सी बीमारियां इससे ख़त्म होगी। अगर मैं अपने इसको गिनाने लगूँ ना तो मेरी वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, तो बहुत सी बीमारियां ये ख़त्म कर सकती है। आप चाहो तो मतलब जैसे मर्जी खा सकते हैं, दलिया भी बना सकते हैं इसका, चपाती भी बना सकते हैं और हलवा भी बना सकते हैं, और अलग अलग भी पिसा सकते हैं, इकट्ठी भी पिसा सकते हैं, मगर आपको इस गेहूं के ऊपर ज़रूर ही अपने आटे के ऊपर काम करना है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और बताना कि आपने भी मतलब इस मिक्स आटे की रोटी खाई है, तो ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।